and welcome to Intelligent Education System. Today we are going to study painting Haldi Grinders for class 12 under the chapter paintings of the contemporary modern Indian artist. Okay, name of the painting is Haldi Grinder, painter Amrita Shergill, medium oil color on canvas, collection National Gallery of Modern Art, New Delhi, period modern contemporary. मॉडर्न को ही कंटेम्प्रेरी बट बोलते हैं, जो मैंने पहले भी बताया है, सिरका 1940 AD. इस पेंटिंग में जो ये जो है पेंटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है, बिकॉज आपको पता चल जाएगा डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद, मैं बताऊंगी तो क्यों ये बहुत इंपॉर्टेंट पेंटिंग है. उससे पहले हम पेंटिंग पे आते हैं. तो इसमें जो है फोर फीमेल को दिखाया गया है, 1, 2, 3 and 4. ये चौथे फिगर में देखिए आपको सिर्फ हैंड दिख रहा होगा, एंड आप हैंड विदाउट सीइंग देयर फेस, किसी का फेस को दिखाया नहीं गया है, ठीक है, विदाउट सीइंग देयर फेस आप डिपिक्ट कर लेंगे कि ये टेंशन में बैठी हुई हैं एंड ये लोग हल्दी को ग्राइंड कर रहे हैं. नाम से ही पता चल रहा है पेंटिंग के नाम से, ठीक है. बहुत कम कलर्स को यूज़ करके इस पेंटिंग को बनाया गया है, बट बहुत ब्यूटीफुल है बिकॉज इसका मीनिंग बहुत डीपली है. दिखाया गया है कि वुमेंस को घर में भी काम करना पड़ता है एंड ये जो है वुमेंस बाहर भी काम कर रही हैं, तो उनके लाइफ में जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, टेंशन्स हैं, वो सबको दिखाया गया है. एंड ये लोग पेड़ के नीचे बैठ के हल्दी को पीस रही हैं, ओके, ग्राइंड कर रही हैं. नाउ कमिंग टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेंटिंग, अमृता शेरगिल पेंटेड दिस आइडलिक रूलर सीन इन 1940. The focus of this Amrita's painting is intended for a showcase on the burden of woman's life. की life में कितनी सारी मुश्किलें हैं, भार हैं, and उसको show किया गया है. Her use of bright saturated pigments are particularly marked in the painting. Bright colors उन्होंने use किए, clearly दिख रहा है हमें painting में. Here in the painting, three women are portrayed in the center of the picture, plain with the yellow, white and red sarees. Yellow, ब्लैक एंड वाइट साड़ीज को दिखा के तीन वुमेंस को बीच में दिखाया गया एंड एक ब्लैक को, ब्लैक वाली को पीछे दिखाया गया बैकग्राउंड में, जिसको मैंने वो भी बता दिया, ओके. प्लेस्ड विद इन द बैकग्राउंड ऑफ द नेचर और डार्क ब्लैक एंड ब्राउन पोर्ट्रेल ऑफ अ वुमेन बिहाइंड द ट्री सीम टू बी रेस्ट मून ऑल्सो कैच द आइज द व्यूज, जो मैंने बता दिया पहले, पेड़ के पीछे एक वुमेन फिगर है. Bright coloring on the dress against the blurred and faint brown background with the two massive trees provided an immense stress on the viewers. जो background blurry है, but जो उन्होंने light color use करके शारी and female figures को दिखाया गया है, वो बहुत ज़्यादा attraction viewers का पाता है, ठीक है. अमिता शेरगिल completed this painting with the very simplified subject matter and is filled with the weak, yet commanding the ordinary females with depth. Strong sense of dignity and massive power on their livelihood. ये सच्चाई ही है, जो रूलर एरिया में वुमेंस रहती हैं उनके बारे में ही बताया गया, जो आज तक सही साबित है. ओके, नाउ कमिंग टू द आर्टिस्ट अमृता शेरगिल. 30 January 1913 to 5 December 1941 अमृता शेरगिल वॉज बॉर्न इन बुदापेस्ट, हंगरी. आउट ऑफ इंडिया की हैं ये, एंड एज इनकी जो मदर थी वो हंगेरियन थी, मतलब हंगरी से आई थी, एंड फादर इंडियन थे, तो ये बार बार इंडिया से हंगरी जाते रहती थी, बट इन्हें इंडिया से ज़्यादा अटैच था, तो ये लास्ट में इंडिया के रहती हैं, ओके. हर मदर वॉज हंगेरियन एंड फादर बिलोंग टू एन इंडियन सिख फैमिली. इन दिस वे अमृता वॉज अफेक्शनेट विद बोथ द कल्चर्स, दोनों कल्चर से वो मतलब जान पहचान था, रूबरू था, ठीक है. After the World War I ended, the family returned to India in 1921. उनकी family World War I के बाद India आ गई. Accompanied by her mother, they traveled to 1942 to Florence. उनकी मम्मी के साथ वो Florence चली गई 1924 में, the home city of the Renaissance, Italy, where she enrolled in the art school of Santa Annunziata. However, she soon found the daily religious routine, strict discipline and rigid curriculum of the school did not suit her temperament. वो जब गई स्कूल तो बहुत सारे strict discipline वगैरह थे जो उनके नेचर वगैरह को सूट नहीं कर रहे. So she left the school and returned to India with her mother. तो वो स्कूल छोड़ के इंडिया वापस आ जाती हैं. Okay.
बट हर एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंटरेस्ट इन आर्ट शी टुक एडमिशन इन एलोइस डेस वैक आर्ट इन फ्रांस वेयर शी गॉट एफिशिएंसी इन मेकिंग ऑयल पेंटिंग. फिर उन्होंने फ्रांस में एडमिशन लिया और ऑयल पेंटिंग में उन्होंने अपना पेंटिंग्स स्टार्ट किया. अमृता शेरगिल हैज़ बीन रियोन्ड एज वन ऑफ द मॉडर्न प्रीसेसर ऑफ इंडिया इंडियन पेंटिंग्स. हर फेमिनिस्टिक अप्रोच एंड रिमार्केबल पर्सोना इज इंट्रेटिव